भारत माता के वंदे वंदे एसएससी पहले आपको भारतीय राष्ट्रीय एकता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये जो आप पीछे देख रहे हैं कुछ स्टूडेंट है जो कि एसएससी क्लियर करने के बाद भी इनका ये कहना है कि टोटल जो वैकेंसी थे वो 60,000 थे और जिनमें 54,000 सेलेक्ट हुए हैं। सारा कुछ क्वालिफाई होने के बाद भी इन लोगों को सेलेक्ट नहीं किया गया, तो ये बहुत दूर दूर से स्टूडेंट आया। ऐसा बात नहीं कि किसी एक ही स्टेट से, बहुत सारे इंडिया के बहुत सारे स्टेट से लोग आए जो यहाँ सरकार से अपना जवाब मांग रहे हैं। तो आइए एक बार इनसे बात करते हैं। जो वैकेंसी था एसएससी का 60,000 वैकेंसी था जिसमें 54,000 सेलेक्ट हुए हैं और 6,000 वैकेंसी अवेलेबल होने के बाद भी इन लोगों को मौका नहीं दिया गया। भाई आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हमारी विज्ञप्ति जारी की थी तो 60,200 की वैकेंसी जारी की थी, इसमें हमारे 14,000 कैंडिडेटों को सिलेक्ट किया, उसके आधार पर मेरिट निकाली थी। लेकिन मैं सरकार से ये कहना चाहूँगा जो 6,000 वैकेंसी रोकी हुई है उनके आप लड़कों को सिलेक्ट करें, तो जो 54,000 में से भी हमारे जितने भी भाई बहन, क्योंकि लंबी भर्ती चली 4 साल हो गए थे, उसमें लड़के अदर जॉब भी कर चुके, क्योंकि प्रत्येक साल में हर स्टेट की 2 बार पुलिस की भर्ती आ गई है, बहुत सारी भर्ती ग्रुप डी, रेलवे ड्राइवर वगैरह की भर्ती होती है, उनमें से भी 14,000 कम से कम 10,000 सेलेक्ट हो गए। तो हमारे पास एक डाटा है फिक्स, 14,000 में से 9,000 कुछ लड़कों ने ज्वाइन नहीं किया, तो वो वैकेंसी खाली पड़ी हुई है और 6,000 ये मिला करके 20,000 सीटें। यदि 20,000 सीट पर भी हमको सरकार गवर्नमेंट यदि हमको सेलेक्ट करती है ना, तो हम लगभग हमारा 20,000 क्रेडिट हमारे इसके अंदर आ जाते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि देखो, हमें आश्वासन दिया गया कि आप जितने भी यहाँ कैंडिडेट दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट करें, हमारे आईपीएस अधिकारी से बात की, उन्होंने बोला हम आपकी राइट बात करेंगे, लेकिन आप उससे पहले एक लिस्ट बना लो, क्योंकि देखो गवर्नमेंट इतना तो इशू नहीं कर पाएगी। जितने भी कैंडिडेट यहाँ प्रोटेस्ट 6 महीने से करें, लगातार उसने मेहनत किया है, लाठी भी खाई है, तो यू नो कि घर बैठे लोगों को नहीं मिलेगा। देखो मैं पिछले 6 महीने से मैं जुड़ा हुआ हूँ उसमें, मैं मन रहा हूँ आप लोग मुझे जहाँ तक जानते होंगे मुझे अच्छे से, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, कोई इसमें कोई झांसेबाजी नहीं है। आज ये क्लियर है कि जो नोटिस जारी हो रहा है, जो लिस्ट बन रही है ना, वो उन्हीं लोगों की बन रही है जिनको ज्वाइनिंग के लिए तैयार किया गया, क्योंकि हम एक याचिका लगाएंगे कोर्ट के माध्यम से, उसके माध्यम से हमको वकील ने भी जो सलाह दी थी एडवोकेट ने कि आप देखो इतना तो मैं नहीं कर पाऊंगा, जितने भी है उनको आप कलेक्ट करके उनका नाम नंबर और नंबर ले। अब देखिए दोस्तों, अब इन लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, चलिए ये लोग तो अपना प्रोटेस्ट कर लें, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट इनके जूनियर वालों को भी पड़ेगा। आजकल के जो नौजवान, इनसे जो जूनियर स्टूडेंट है जो कि पढ़ लिख के एसएससी करके कुछ बनना चाहते हैं, उन लोगों के लिए कहीं कहीं डीमोटिवेशन का चीज़ है ये कहीं ना कहीं, जो कि सीट अवेलेबल होने के बाद भी नहीं मिल रहा है। ये हमारा इंडिया का हाल, और ये इंडिया के स्टूडेंट है, कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टेट जैसे आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ से, यूपी से आए, आसाम से आए, बहुत बहुत दूर से आए हैं और यहाँ पर आके हिस्सा लिए। मैं चाहूँगा दोस्तों आप लोग भी इस प्रोटेस्ट में एक बार जरूर हिस्सा हो। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? फाइनली लेके आगे एक और नया ब्लॉग जो कि है जंतर मंतर। दोस्तों मैं जानता हूँ कि ये नाम थोड़ा सा अजीब है, जंतर मंतर, और ये जगह भी उतना ही अजीब है जितना अजीब नाम है। ऐसा माना जाता है कि पहले के जो लोग होते थे वो टाइम, डेट और ईयर जो मेजरमेंट करने के लिए उसको यूज़ किया करते थे, वो भी सनलाइट से कुछ ऐसा होता था जहाँ पे एक शैडो बनता था, पता नहीं क्या क्या। बहुत सारी ऐसी उलझने हैं जो कि जाने के बाद ही सुलझेगी, और मेरा भी ये पहला ही बार होगा कि मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, इससे पहले मैं कभी नहीं गया, तो देखता हूँ क्या वहाँ का नज़ारा होता है और क्या खूबसूरती है वहाँ का। चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, हम आपको दिखाते हैं जंतर मंतर। चलिए मिलते हैं गेट। फाइनली आ गए हम जंतर मंतर के गेट पे, और ये है हमारा टिकट काउंटर जहाँ से मैंने परचेज किया। 25 रुपये पर टिकट लगती है, और फिर चलते हैं हम लोग, देखते हैं अंदर क्या नज़ारा है। Thank you.
जंतर मंतर के जितने भी सारे सीन थे सारे मैंने कवर कर लिया और साथ साथ मैंने आपको भी दिखाया। चलो अगर फ्री टाइम है तो थोड़ा इसके इतिहास के बारे में भी जान ले। फिजिक्स तो अभी तक मुझे कुछ समझ में नहीं आया लेकिन इतिहास थोड़ा बहुत पता है। अब इसका इतिहास जानने से पहले ना हमें ये जानना होगा कि इसका निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों मुझे जहाँ तक पता है इनका निर्माण राजा जयसिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया था। 1724 ईस्वी में करवाया गया था इसका निर्माण। अब राजा जयसिंह द्वितीय कौन थे? वो एक राजस्थान के किसी छोटी राज्य या फिर किसी नगर के एक प्रतापी राजा थे जिन्होंने इनके अलावा ना दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ दिल्ली में ही है जंतर मंतर। दिल्ली के अलावा 4-5 ऐसे और राज्य हैं जहाँ पे जंतर मंतर सेम डिज़ाइन में बनाया गया है। जैसे राजस्थान हो गया, मथुरा हो गया। मथुरा के अलावा और भी दो ऐसे जगह है जहाँ पे बनाया गया था, मुझे करेक्ट तो नहीं पता, बट ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में 5 ऐसे जगह है जहाँ जंतर मंतर है, ठीक है। और राजा जयसिंह की द्वितीय की अगर बचपन का लाइफ देखे तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा कष्टमय था, क्योंकि सबसे पहली बात तो उनको गणित और खगोलीय ज्ञान की बहुत ही ज़्यादा नॉलेज थी इतने छोटे से उम्र में भी, क्योंकि उनको पढ़ने में ये खगोलीय ज्ञान पढ़ने में या सीखने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते थे वो। लेकिन दुर्भाग्यवश 11 साल की उम्र में ही उनको राजगद्दी संभालनी पड़ी क्योंकि उनके पिता का देहांत हो गया। दोस्तों ये तो हो गया जंतर मंतर का इतिहास। और इस जंतर मंतर का अगर विज्ञान देखे यानी कि फिजिक्स जिस तरह से ये बनाया गया है, मुझे ज़्यादा कुछ तो समझ में नहीं आया, बट इतना ज़रूर समझ में आ गया कि यह जो अंतरिक्ष में जो बहुत सारे प्लानेट है यानी कि ग्रह है उसकी गतिविधियों को मापने के लिए इस चीज़ को बनाया गया है, इस जंतर मंतर को बनाया गया है। इसके अलावा टाइम जैसे कि पूरे साल में सबसे बड़ा दिन, पूरे साल में सबसे छोटा दिन, ये सारा मेजरमेंट करने के लिए बनाया गया। हे दोस्तों आई थिंक जितने भी सारे सीन्स देखे हमने इस जंतर मंतर का उतना काफ़ी है यहाँ की खूबसूरती को देखने के लिए। दोस्तों वैसे इस जगह के बाद एक और जगह कवर करना है, वैसे हम गए बहुत ज़्यादा थक गए हैं क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें मेट्रो स्टेशन से 4 किलोमीटर पैदल आना पड़ा है। खैर कोई बात नहीं दोस्तों, वीडियो को करते हैं यहीं एंड। अगर आप इस चैनल पे हो तो प्लीज़ दिल से कह रहा हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना यार। वेट करो नेक्स्ट वीडियो का। बाय बाय।